आपका जो आज का जो आपका क्रिसमस है ना बहुत अच्छा जाने वाला है। मेरे को आप कहते ना भगवान करता जो भी करता था भगवान ने भेजा मेरे को आपके पास। आपने मेरे से पूछा नहीं मैं इतना सारा सामान क्यों ले रहा हूँ आपसे। आज का दिन पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है बहुत अच्छा जाने वाला है मेरा। और अभी हेमंत में जा रहे हैं बहुत अच्छा और नेक काम करने कनॉट प्लेस, और वहाँ पे हम बच्चों के साथ मस्ती करेंगे क्योंकि आज का दिन इतना खास है कि मस्ती तो बनती है। तो हेमंत को फ़ोन करा मैंने कि बाबू जल्दी से आजा कैमरा लेकर जाना है और आज का दिन फुल टू एंजॉय करना है लेकिन उन प्यारे बच्चों के साथ जो रात दिन मेहनत करते हैं और रोड पे सोते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि कोई ना कोई मस्ती के लिए उनके पास होना चाहिए। तो उनका भाई सन्नी आ रहे हैं, बाकी अब चलते हैं। दिल पता नहीं क्यों बार बार ऐसा कह रहा है कि बहुत अच्छा काम होने वाला है, पता नहीं क्या अच्छा होने वाला है, परमात्मा के ऊपर है। बाकी अब चलते हैं अपने नेक रास्ते पे नेक कदम पे, और भगवान जो जो करवाएगा अच्छा ही करवाएगा क्योंकि हमने आज तक किसी का बुरा किया नहीं। और आप सब भी जो आज का दिन है अच्छे से मनाना, और नया साल नज़दीक है, नए साल पे आपके भाई का जन्मदिन है। दोस्तों जब मैं घर से निकला था आपको मैंने बताया था कि दिल बार बार ऐसा कह रहा है कि आज ना बहुत अच्छा काम होने वाला है, इतना अच्छा काम होने वाला है कि पता नहीं वाइफ्स आ गई थी बढ़िया वाली। अच्छा काम तुम करने जा रहे थे जो छोटे छोटे बच्चे हैं सीपी में शूज़ पॉलिश करते हैं सामान बेचते हैं मेहनत करते हैं उनके साथ मस्ती करने का क्रिसमस मनाने का, लेकिन मैं जहाँ तक देख रहा हूँ एक अंकल है 55-60 साल उनकी उम्र है लगभग, और वो 4 से 5 गाड़ियों में अब तक वो ये मतलब जो सामान देते हैं ना रेड लाइट पे खड़ा हूँ मैं, तो सब ने मना कर दिया सामान ले नहीं रहे। लेकिन अब आपका भाई जो मतलब भगवान कह रहा था कि सन्नी बेटा आज तू अच्छा काम करेगा और वो काम अच्छा आज एक नहीं दो होने वाले हैं। हेमंत बेटा थोड़ी सी गाड़ी आगे लगा रहा हूँ मैं, और अंकल जी को आवाज़ मार के ना कोने पे बुला ले, ठीक है? रुक जा आगे रुक जा ऐसे तेज़ आवाज़ मत मारियो। तो दोस्तों अब अंकल जी से बातें करेंगे क्योंकि जब कोई किसी को मना करता ना नहीं लेना सामान तो सामने वाले को दुख तो पहुँचता ही, और मेरे सामने कम से कम 5-6 गाड़ियों से वो 5 से 6 गाड़ी वालों को वो बोल चुके हैं सामान लेने के लिए। वो जो क्रिसमस का सामान होता है ना टोपी मास्क वो बेच रहे हैं अंकल जी। तो चलो अंकल जी से बातें करते हैं और थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं अंकल जी के साथ, ठीक है? दिखाओ बड़ी कौन सी है, ये वाली छोटी है तो सर है जी? क्या उम्र कितनी है आपकी अंकल जी? मेरा तो 52 साल के हो। बच्चे पढ़ाई करते हैं? जॉब करते हैं। अच्छा तो आप ये वाला काम जो करते हैं, काम तो काम होता है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी बच्चे कहते नहीं कि मतलब पापा थोड़ा रेस्ट करो। बच्चे तो बोलते हैं काम बोलते हैं अच्छे मतलब भगवान की है हमारा है जी भगवान करते हैं हमें हाँ परमात्मा करता है करना जी जी जी। पूरा नाम क्या है भैया आपका? दिलीप कुमार जी। कहाँ रहते हो आप? बिहार से हो? बिहार में कहाँ से? दरभंगा से। ये कितने की कैप है? 100 रुपए की दो। अच्छा 100 के 3 दे दोगे? अच्छा इतना डिस्काउंट, इतना बड़ा दिल क्यों करा आपने? 100 रुपए की 3 हो गई है, मैं कहूँ 100 रुपए की 4 दे दोगे? आजकल की आज ये की बात है, बस आज क्या करें लोग रख करके क्या करें। आपने जैसे ये वाली बात बोली आज की बात है, तो उसके बाद कौन सा काम करोगे आप? यही काम करने आए थे आप? अच्छा जी, ये शुरुआत से मैं यही काम करता हूं। अच्छा मतलब क्रिसमस वाले दिन? नहीं नहीं, फिर हर रोज लाइट का ही काम करते हैं। ये क्या नाम है, संडे जैसे देखते हैं जाली फिल्म लगती नहीं, जैसे भी आज का दिन निकल जाएगा क्रिसमस का तो फिर क्या करोगे? जाली फिल्म। अच्छा वो जो गाड़ियों में फिल्म जाली फिल्म लगती है गाड़ियों में। अच्छा। कितना पैसा कमा लेते हो रोज का? हमें तो 200-300 हो गए। तो 100 रुपए की चार्ज दे रहे हो मेरे को आप? एक टोटल सामान कितना आपके पास? सब टोटल सामान कितना है? बहुत सारा सामान है, सारा सामान खरीद लो आपसे, सारा सामान खरीद लो, खुशी घर चले जाओगे फिर आप। चलो ये हो गई 3 हो गई, ये हो गई 4 और दे दो। आपका जो आज का जो आपका क्रिसमस है ना बहुत अच्छा जाने वाला है। मेरे को आप कहते ना भगवान करता जो भी करता था भगवान ने भेजा मेरे को आपके पास। देते रहो, ये 20 हो गए, 20 ये हो गए, 4 ये हो गए, और दे दो। ये कितने हो गए? 20, ठीक है 40 हो गए, और ये 4। चलो ये एटीएम खुल ले तो आप पकड़ लो, ये टोटल 40 हो गए। कितने पैसे दूँ आपको मैं?
दिल से बता दो। हमारे हिसाब से आपको बता ही दिया हूँ। कितने टोटल कितने पकड़ा हूँ आपको पैसे बताओ? हाँ जी, आपके हिसाब से 1000 रुपये। ये कितने हैं टोटल देख लो कितने हैं। एक कितने का बेचते हो अभी? ये बेचता हूँ 10। अच्छा, कितने के दे दोगे सारे? चलो 180। आपने मेरे से पूछा नहीं मैं इतना सारा सामान क्यों ले रहा हूँ आपसे। एक तो मैं जब रेड लाइट पे था ना, तो मैं रेड लाइट पे खड़ा था पीछे भी, तो आपको देख रहा था मैं, बड़ी मेहनत कर रहे थे आप। वो आप कम से कम मेरे सामने आपने 12-13 गाड़ी वालों को बोला, लेकिन सामान किसी ने नहीं लिया, तो मेरे को बड़ा फील हुआ। ये मैंने सामान लिया ना आपसे भैया, ये जो मैंने सामान लिया, ये जो गरीब बच्चे हैं ना, आज क्रिसमस बनाऊंगा उनके साथ में। 100-100 पीस ले आते हैं तो अपने, तो ये भी सारा दे दो मेरे को आप पैसे। एक मिनट, टोटल कितने पैसे हो गए आपके? टोटल हो गए आपको 1180। लो 1200 रुपये ही। ठीक है भैया, लेकिन एक प्रॉमिस करो, हमेशा ऐसे हंसते रहोगे, मुस्कुराते रहोगे और जिंदगी जियोगे। अब आप पूछे ना तो मैं बताऊँ। हाँ जी बताओ। ये टाइम पास करने का काम करता हूँ, बच्चे का नाम बोले है ना, तो बच्चे अपने अपने, तो बच्चे जो है ना, बच्चे नहीं करते काम करते, आप लोगों की आशीर्वाद से, आप भगवान की दया से। सर आशीर्वाद हमारा नहीं, बच्चे के लिए कर रहा हूँ, भगवान की दया से मेरे बच्चे इंजीनियर है। अच्छा, आपके बच्चे इंजीनियर है? अरे वाह, कहाँ रहते हैं? अमेरिका में रहते हैं। आने जाने अमेरिका में रहते हैं? मेरा तो देखो कहाँ से काम हो जाए। एक ही लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की। लड़की कहाँ पे, लड़की क्या करती है? वो गांव में। अच्छा, वो गांव में है। उनकी अगर भाई साहब अगर झूठ बोल रहे होते ना, तो यही की बात बोल देते कि दोनों बच्चे अमेरिका में रहते हैं। अंकल ने सच बात बोली है, एक बेटी गांव रहती है, एक अमेरिका में रहती है। नहीं तो अंकल बात करने वाले बहुत हैं। आप इतने बोले ना तब बताया। नहीं नहीं, आपने अगर ये सच बताया है, आपका बच्चे, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे अंकल जी, और मेरी क्रिसमस आशीर्वाद दे दो मेरे को। सही बात, हमेशा खुश रहो। यूट्यूब वगैरह पे आते हो क्या? हाँ यूट्यूब पे आता हूँ मेरे भाई। बड़े भैया वीडियोस देखते हो क्या? हाँ भैया, वो जो प्रैंक करते हो? हाँ प्रैंक करता हूँ। कितने की लड़ी है वो? 7 लाख वाली, 8 लाख वाली? ये मेरी वीडियोस देखते हैं अंकल जी। एक फोटो प्लीज, मैं खिंचा सकता हूँ? हाँ आ जाओ ना भैया। मेरा चैनल अंकल तहलका प्रैंक के नाम से, और दूसरा चैनल है मेरा हेल्पिंग सनी आ रहा, इसमें मैं गरीब बच्चों की मदद करता हूँ। बाहर आ जाऊँ क्या? नहीं नहीं भैया, आप बैठे रहो प्लीज। नहीं आ जाता हूँ, बैठे रहो। मैं बोलूँ भैया को मैंने देखा है कहीं, लेकिन मैं खुश हो रहा था। सामान लेने आए थे अंकल जी से? मैं एक्चुअली मैं सारा जा रहा था, मैंने दो टोपे अपने बच्चों के। अच्छा अच्छा, बच्चों के लिए लिए। मैं नहीं आ रहा भैया, मुझे फोटो आ जाऊँ ना, मैं बाहर आ जाता हूँ। बड़े भैया मुझे आता नहीं भैया, ये तो मैं फिर खुश हो गया आपसे। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक काम करो भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश। उमेश भाई, अपने बच्चों के लिए टोपी लेने आए थे आप? हाँ भैया, दो टोपी लेने आया था। तो आप पैसे मत, नहीं नहीं खर्चा मत करो। अरे नहीं भैया, ना वो, अरे वो मेरे भी यार, कमाल कर रहे हो। ये लो ये दो टोपी मेरी दोस्त। थैंक यू। ठीक है अंकल जी, बाय बाय। ठीक है उमेश भाई, बहुत खुशी हुई आपसे। क्या काम करते हो आप? मैं भैया उसमें फील्ड में हूँ। अच्छा फील्ड में हूँ। हाँ इंटीरियर फील्ड में काम करता हूँ। चाहे जैसे जैसे कोरोना आया ना देश में हमारे, परेशानियां भी लेकर आया, दुख को थोड़ा दूर करके ना हमने जिंदगी जीनी है, उसको दूर करके हमने जिंदगी जीनी है। हमने उदास और परेशान नहीं होना। मैंने जहां तक नोटिस किया ना, तक 8-9 महीने में कितने हजारों लोग मेरे को मिले हैं, सबने की बात बोली, सन्नी भाई मामला खराब हो गया, हम खत्म से हो गए। नहीं खत्म कुछ नहीं होता, सब कुछ अपने हाथ में होता। करना स्ट्रगल तो दौर तो बड़ा गंदा है। मैं मानता हूँ जो 15,000 कमाते थे उनको 8,000 में करनी पड़ रही है, लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा। सही बात है, क्योंकि ये सब पे बीती है। एक अकेला ऐसा नहीं कि गरीब बंदा मर रहा है। नहीं नहीं सही बात है, 15-15 दिन तंग आ रही है भैया, आ रही हो गया, खत्म कर दिया। जो 40 बच्चे हैं जी, जी तो 20 कर दिए, लेकिन 15-15 दिन बुला रहे हैं, तो ये सबका घर चल रहा है। अच्छा शोर ऐसी बात नहीं है, रोने से फायदा भैया है नहीं कुछ। अच्छा ये भतीजो जो, रुको 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 रुको, ये भी बच्चों को मेरी तरफ से देना आप। बोलना एक सन्नी भैया मिले थे भैया, आप ये यकीन नहीं मानोगे,
मतलब मैं इतना खुश हूँ ना, मैं बता नहीं सकता। अरे भाई जी, मैंने कभी सोचा भी था कि भैया मुझे मिल जाएंगे, तो इत्तेफाक से ना आपकी आवाज ही पहचान में आई मुझे। जी जी। फिर जब मैंने देखा ना भैया बात कर, मैंने ये तो लग रहा है भैया है कोई जान पहचान वाले। चलो धन्यवाद मेरे भाई। बड़े भैया भाई, अंकल जी लव यू। ठीक है छोटे भाई, कहाँ रहते हो आप? मैं किराड़ी में रहता हूँ। अच्छा चलो मिलेंगे। ओके ठीक है अंकल जी, नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है आपका? भोला नाथ। आपको दिखाई नहीं देता? नहीं सर। यहाँ पे कहाँ घूम रहे हो? यहाँ पर रहने बसे रहने पर। हाँ जी, यहाँ पर नोनम गली में। हाँ जी, रहने बसेरा है। अच्छा वहीं पर जाते, वहीं पर जाते हैं। अच्छा आपको पता आज क्या है? हाँ पता मेरे को। बताओ अंकल जी। आज आज क्रिसमस डे। हाँ क्रिसमस डे आज। हाँ जी, तो अभी खाना वाना खाया आपने? हाँ सर खाना तो खा लिया। खाना खा लिया? हाँ जी। लोगों ने आज जैसे निकले तो बाहर कुछ मदद करी कुछ लोगों ने? खाने मदद की लोगों ने। खाने की मदद करी है? पैसे की मदद नहीं करी? मैं अंकल जी बस परमात्मा ने भेजा मेरे को आपके पास, ये लो हाथ आगे करो लो। खाना खा लेना। ठीक है सर, बाय। हमेशा खुश रहना। हाँ जी सर। ठीक है, परेशान कभी मत होना। ठीक है सर। ओके बाय बाय। ओके बाय बाय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद दे दो बस। हाँ आशीर्वाद है जी। धन्यवाद। अंजलि नाम बेटा, आपको पता आज क्या है? क्रिसमस डे आज। टोपी नीचे करो, इसको पहनो। वेरी गुड, अच्छे लग रहे हो। इसको पहनो। ये रुको एक मिनट, ये लो। अब इसको पहन के दिखाओ मेरे को जल्दी से। हाँ ये लो। धीरे 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 ये लो। चलो बाय बाय। बेटा आपको दिए था पैसे? बाय बेटा। चलो बाय बाय। बाय बेटा बाय।